आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छुमंतर। पीएम मोदी ने पिछले दिनों राजस्थान में ये बयान दिया था। इसके बाद 3 दिसंबर को जब 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए तो उनमें पीएम मोदी की इस बात की झलक साफ दिखाई दी। बीजेपी ने 4 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस को हरा दिया। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने इनमें से किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया था। ऐसे में बीजेपी के चौंकाने वाले कदमों के इतिहास को देखते हुए पार्टी में मुख्यमंत्री पद की रेस काफी दिलचस्प हो गई है। तो चलिए एक एक करके तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर इस तरह की अटकलें तेज हुई थीं कि अब उनका पत्ता कटने वाला है। इसके बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान में शिवराज के चेहरे को आगे भी नहीं रखा। इसके बावजूद शिवराज चुनाव में काफी मेहनत करते नजर आए। अब जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चौंकाने वाली बंपर जीत हासिल की है तो इसमें बाकी कई फैक्टर्स के साथ साथ शिवराज की भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। खासकर जिस तरह से उन्होंने महिला वोटरों के बीच लोकप्रियता हासिल की है तो मध्य प्रदेश में अभी भी शिवराज सीएम पद के मजबूत दावेदार बने हुए हैं। इसके अलावा वहां इस रेस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जैसे नाम भी शामिल माने जा रहे हैं। बात राजस्थान की करें तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने कद और बड़े जनाधार के चलते सीएम पद की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। इसके अलावा यहां संभावित दावेदारों की बड़ी लिस्ट है जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दिया कुमारी और महंत बालकनाथ के साथ साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसे नाम शामिल हैं। मेघवाल अनुसूचित जाति से आते हैं और बालकनाथ यादव हैं। ऐसे में पार्टी इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रख सकती है। बालकनाथ की हिंदुत्ववादी छवि भी उन्हें फायदा पहुंचा सकती है। बहुत से लोग उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से करते हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नाम से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिनको पार्टी की टॉप लीडरशिप का भरोसा हासिल है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण कुमार साहब के साथ साथ धरमलाल कौशिक, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सरुता और पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी को सीएम पद के दावेदारों की संभावित लिस्ट में शामिल माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी के इतिहास को देखें तो वो किसी ऐसे चेहरे को भी मुख्यमंत्री बना सकती है जिसे लेकर कोई खास चर्चा ना हो, जैसे उसने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर लोगों को चौंका दिया था। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी सीएम पद के लिए चुनकर बहुत से लोगों को चौंकाया था। कुल मिलाकर ऐसे कई फैक्टर हैं जिनके आधार पर पार्टी सीएम फेस चुन सकती है, जैसे टॉप लीडरशिप का भरोसेमंद चेहरा, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दावेदार की पृष्ठभूमि, खासकर जाति आधार पर ऐसा कोई चेहरा जिसके नाम पर विधायकों में आसानी से सहमति बन जाए। तो देखते हैं बीजेपी किस राज्य में किस चेहरे को सीएम बनाती है।